सफेद और काला दोनों तरह के चने खाने में जितने टेस्टी होते हैं, इनमें पोषक तत्वों की भरपूरता भी खूब होती है। जहां नवरात्रि में काले चने के बिना कन्या पूजन और अष्टमी नवमी का भोग अधूरा माना जाता है, तो वहीं छोले भटूरों में सफेद चने के बिना स्वाद ही क्या है। अक्सर बात जब सफेद और काले चने की होती है तो लोगों के मन में सवाल तो उठना लाजमी है कि दोनों में से सेहत के लिए कौन सा चना है सबसे ज्यादा फायदेमंद। दरअसल काबुली चना या सफेद चने में मौजूद तत्व काले चने से अलग होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं सफेद और काले चने में सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद कौन सा है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। काले चने काबुली चने के मुकाबले खाना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। जो लोग वजन घटा रहे हैं उनके लिए काले चने फायदेमंद है। काले चने में कैल्शियम और आयरन खूब होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए काले चने खाने में फायदेमंद है। इसमें मौजूद आयरन की मात्रा बॉडी में हीमोग्लोबिन सुधार करने के साथ ही खून की कमी को भी दूर करती है। वहीं 100 ग्राम सफेद चने में 12 ग्राम फाइबर होता है, काले चने में 18 ग्राम फाइबर है। डाइजेशन सिस्टम के लिए काला चना फायदेमंद है। इसके सेवन से कब्ज भी नहीं होता। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो काले चने की तुलना में काबुली चने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। जहां 100 ग्राम काले चने में प्रोटीन 20 ग्राम है, तो वहीं सफेद चने में 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। वहीं जिंक एक ऐसा मिनरल है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक की बीमारियों को दूर करता है। इसकी हल्की सी कमी के चलते प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। ये डैमेज स्किन रिपेयर करने के साथ ही इन्फेक्शन होने से भी रोकता है। 100 ग्राम काबुली चने में 2.76 मिलीग्राम जिंक होता है। काले चने में 3.35 मिलीग्राम जिंक भी पाया जाता है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादा काले चने का सेवन करने से आपका पेट खराब हो सकता है। इसमें मौजूद हाई फाइबर पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत ज्यादा चना खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है। रात के वक्त दोनों ही चने खाने से बचें, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।